हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और घर पर होंगे, सेफ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अभी उठ गई हूँ सुबह सुबह, बज रहे हैं 5:30, 5:30 हो रहे हैं। मैं 5 बजे उठ गई थी, नीचे अभी आई हूँ फ्रेश वगैरह होके, चेंज कर वर्कआउट करने के लिए। और बहुत दिनों बाद मैं आज व्लॉगिंग कर रही हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी, बट ऐसा था कोई कोई शेड्यूल मेरा फिक्स हो गया था कि ये पोस्ट करना है, वो पोस्ट करना है, तो व्लॉगिंग नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली आज मैं थोड़ा सा मेमोरी करके, बहुत दिन हो गए हैं व्लॉगिंग नहीं हो पा रहा था, तो आज करती हूँ। और मैं उठकर आ गई हूँ, किचन में चलती हूँ। मेरा मॉर्निंग रूटीन आप ऑलमोस्ट जानते हो कि मैं मॉर्निंग में गर्म पानी पीती हूँ, तो वर्कआउट करने से पहले। तो मैं बस अब गर्म पानी पीने जा रही हूँ और फिर उसके बाद वर्कआउट करूंगी। और अभी प्लीज इग्नोर करिएगा, थोड़ा किचन इधर उधर फैला भी है तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि रात को सोने के टाइम में लगता है ना, जितना काम निपट गया निपट गया, फिर उसके बाद बाकी सुबह करेंगे। तो वही चीज मेरे साथ भी होता है। तो बस मैं अभी गर्म पानी पी लूँ, फिर वर्कआउट करती हूँ, फिर मिलती हूँ। और आज का जो है डे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ करने वाले हैं जो कि 2 महीने से नहीं किए हैं, बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं गर्म पानी पी रही हूँ, क्योंकि वर्कआउट से पहले मैं डेली गर्म पानी पीती हूँ। मेरा वर्कआउट जो है वो हो गया है ओवर, और 7 बज रहे हैं, आप देख सकते हो 7 बज रहे हैं। अब मैं जाऊंगी किचन की तरफ, चेंज करने का सोची थी ऊपर जाकर, बट अभी मैं चेंज नहीं करने जा रही, सीधे काम निपटाऊं, क्योंकि आज हमको जाना है बाहर, बैंक का काम है मुझे वो सारा निपटाना है। बहुत दिनों से था, मतलब ये लॉकडाउन से पहले से ही मेरा काम था, वो पड़ा हुआ था, पर आज फाइनली हम जाएंगे। और देखिए पीहू को भी लेके जाना पड़ रहा है, ये मजबूरी है एक, क्योंकि पीहू को किसके पास छोड़े, तो पीहू को लेके जाएंगे हम और देखते हैं क्या होता है। बाहर निकलेंगे तब पता चलेगा, 2 महीने बाद हम बाहर जा रहे हैं। तो मैं ये है कि आज मैं बनाने वाली हूँ कोफ्ता, तो उसकी तैयारी भी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। और आज मैं मतलब 10 बजे तक सारा काम निपटाने वाली हूँ अपना, झाड़ू पोछा और नहाने का काम छोड़ेंगे, क्योंकि वो हम बाहर से आने के बाद नहाएंगे सीधे। तो बाकी सारा काम निपटा के जाना चाहती हूँ मैं। और अभी जाऊंगी किचन में, साफ सफाई करूंगी, फिर नाश्ता भी बनाना है, आज पोहा बना लूंगी, और फिर सारी तैयारी कर लूंगी ऑलमोस्ट, फिर जाएंगे हम, ताकि बाहर से जब आए ना तो हम सीधे बाथरूम में जाए नहाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा और कनेक्ट रहिएगा। बाहर का व्यू देखती हूँ, दिखा पाई तो दिखाऊंगी आगरा में कैसा है अभी का माहौल। तो फ्रेंड्स, बाहर जाना था तो इसलिए आज मैं सुबह से लग गई किचन में। देखिए किचन में पहले क्लीन वगैरह कर रही हूँ, गैस को मैं डेली साफ़ करती हूँ, पूरा जो बर्तन धोने वाला होता है ना उससे क्लीन करके फिर कपड़े से साफ़ करती हूँ, इससे डेली मेरा आदत है गैस साफ़ करना, पूरा स्लैब पूरा सर्फ से साफ़ करना, और इस तरीके से मेरा क्लीनिंग डेली का होता है पूरा। और देखिए अब मैंने ना कोफ्ते के लिए मसाला रेडी कर लिया है, बस उसे ही पीस रही थी। तो यह है कि बाहर जब जाना हो ना तो उससे पहले सारा काम निपटा के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बर्डन ना हो फिर आने के बाद, क्योंकि थक कर फिर काम करने का मन नहीं होता है। तो वही मेरे साथ प्रॉब्लम बड़ा है कि मैं जब कहीं बाहर जाना रहता है ना, तो मैं ना सुबह उस दिन उठकर लग कर पूरा काम निपटा कर ही जाती हूँ, ताकि आने के बाद फ्री रहें, उतना नहीं हो किचन में घुसने का काम। तो इसीलिए देखिए मैं लौकी काट रही हूँ, अब लौकी को किस लूँगी, कोफ्ता की तैयारी कर लूँगी पूरी, मतलब कि सब चीज़ करके जाओ ना तो आप आते हो ना तो ये रहता है कि हाँ अब ज़्यादा काम नहीं है। और वैसे भी अभी हम बाहर जाएंगे तो मैं नहा के नहीं जाऊँगी। ये देखिए मैं कोफ्ता जो है बना रही हूँ, बॉल वगैरह कोफ्ता का रेडी कर रही हूँ, सब इसमें बेसन वगैरह सब डाल दिया। रेसिपी इसलिए शेयर नहीं किया, मैंने ऑलरेडी पहले भी कोफ्ता का जो रेसिपी है ना शेयर किया था, तो ये इस बार मैंने सोचा करके रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, लंबा हो जाता है। फ्रेंड्स, मैंने ना वो करने के बाद नाश्ता रेडी कर लिया है,
पोहा बनाया है आज, तो पोहा बस अब अंकित जी और पीहू के लिए निकालूंगी और अभी किचन भी साफ करना है। आते हैं हम नाश्ता कर, फिर उसके बाद मैं किचन साफ करूंगी पूरा पूरा बेसन वगैरह। और देखिए ये पूरा मैंने काटा छाटा था, सारा चीज रखा हुआ है। नाश्ता कर लें फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ। पोहा है, आइए आप भी खा लीजिए पोहा। सो फ्रेंड्स, नाश्ता जो है हमारा ब्रेकफास्ट हो गया और मैं फटाफट नीचे आई क्योंकि आज हमें जाना है, जैसा कि मैंने बताया बैंक जाना है। तो ये जो है मैंने तड़का लगा दिया है, मसाला जो पीस लिया था सुबह, कोफ्ता का बॉल जो है वो तो मैंने रख दिया है और यहाँ रखा हुआ है। तो बस जल्दी से सब्जी रेडी करूँगी, नहाएंगे नहीं हम, और झाड़ू बस लगा के जाऊँगी, आके पोछा लगाऊंगी, तब तक से अंकित जी लोग नहा लेंगे, फिर मैं नहा लूँगी। तो बस मेरा मसाला रेडी हो रहा है, मैं सब्जी रेडी करके फिर मिलती हूँ रेडी होकर बैंक जाने के लिए। जो है हम ये देखिए, ये पीहू रेडी हो गई है, झाड़ू बस लग गया मेरा और हम रेडी हो गए हैं क्योंकि 10:30 से ऊपर हो गया। क्या टाइम हुआ है? अंकित जी भी रेडी हो रहे हैं, मुंह बांध रहे हैं। और पीहू का मास्क कहाँ है? पीहू का भी फेस भी कवर करेंगे, पीहू का मास्क लगाएंगे। पीहू बेटा इधर आओ, पीहू का मास्क लगाएंगे और पीहू ने चश्मा पहना है और पीहू का डांस तो बहुत देखेंगे। अभी पीहू घर आकर डांस दिखाएगी। और रखो मम्मा का पासबुक रखो बैंक का, और ये पीहू को बांधूंगी और एक अपने लिए रखी हूँ मुंह बांधने के लिए, कवर करने के लिए, फेस कवर करेंगे। तो बस निकलते हैं। तो पीहू, सो गाइस हम निकल गए हैं और ये है पीहू। ज्यादा धूप हो गई है, ज्यादा धूप हो गई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने अभी बाहर निकले हैं और पूरा 2 महीने बाद सोचो हम घर से निकले हैं। देखिए पूरा सन्नाटा है आसपास में, पूरा सन्नाटा है, कहीं कोई नहीं दिख रहा है, सुनसान रोड पूरा जा रहे हैं और बहुत अजीब लगा इतने महीनों बाद निकलने। फ्रेंड्स हम मेडिकल में हैं और ये पीहू देखो मास्क निकाल के फेंक रही है, इसे अभी नहीं पता है ना, बार बार मास्क निकाल कर फेंक रही है। हम जस्ट अभी आए हैं और बाहर ना बहुत ज्यादा हाल खराब है। ये देखिए ये पीहू है, पानी पी रही है, इसका भी हैंड वॉश करवाया है, पूरा वॉश करवाए हैं, सैनिटाइज तो करवाए थे वहां से, और अभी ये पानी पीकर फिर सीधे नहाने जाएगी। हम भी जब पीहू गिर गई थी है ना, और बाहर रोड में कैसा लगा इतने दिन बाद? आपको डर लग रहा था? कोई भी नहीं था ना बाहर? पीहू बाहर गई थी आज, ये भी याद रखेगी क्या दिन था। ऐसा दिन था, कोई नहीं था, कोई दुकानें नहीं खुली थी, पूरा दुकान बंद था, हमें बहुत मुश्किल। हाँ पुलिस ने बंद कर दिया, सुनने में आ रहा है यहाँ हमारे आसपास के एरिया में कोई पॉजिटिव निकला है, बहुत सारे दुकान बंद हो गए। तो पीहू ने आपको जैसा अपडेट दे दिया है ना पीहू। तो बस अब हम नहाएंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद मैं मिलती हूँ है ना। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ना लेना तो बहुत कुछ था, एक दुकान खुला तो बस मुझे पीहू का आइटम सबसे पहले जो मिल गया मैं वो सब लेके आई हूँ। पीहू का डेयरी मिल्क 5-स्टार मंच और ये जो खाती है, फ्रूटी नहीं मिला मुझे, एक पैकेट ही फ्रूटी मिला, बिस्किट भी छोटे छोटे मिले मुझे, और शैम्पू मेरा खत्म हो गया था तो ये पाउच वाला मिला। देखिए मतलब ये हो रहा है, जो हम चाहते ना वो मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। टूथब्रश मिला मुझे, जो मिला वो सूजी मिला, और ये मैगी मसाला मिला। बस मतलब एक बार में सामान नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, सही बता रही हूँ मैं। ये मतलब बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनाई हूँ और बहुत लॉकडाउन के बाद चल रहा है जो, इसमें फर्स्ट टाइम लॉकडाउन 3 में मैं गई हूँ फर्स्ट टाइम बाहर, और बहुत परेशानी है वाकई में। हम घूम घूम कर थक गए और कोई दुकान नहीं खुला था, कोई नहीं, हम काफ़ी जगह भटके तब जाकर एक दुकान खुला था, वहाँ भी पुलिस आ गई थी जब मैं ले रही थी उस टाइम कि बंद करना है आपको दुकान। तो बहुत दिक्कत हो रहा है, ये मतलब आम जनता के लिए बहुत बड़ी परेशानी है ये इस टाइम पे, कि आपको चीज़ें जो चाहिए वो चीज़ नहीं मिलती, आपको दूसरा चीज़ लेना पड़ता है, और बहुत परेशानी हुआ आज मैंने फेस किया। हस्बैंड जाते थे हमेशा बताते थे, बट आज मैंने पर्सनल फेस किया तो
पता चला हाँ बहुत परेशानी है, दुकानें बंद हैं। सो फ्रेंड्स, मैं नहा कर आ गई हूँ और 1:30 बज गए नहाने में। पीहू और अंकित जी नीचे चले गए हैं खाने, भूख लग गया था पीहू को, तो मैंने बोला आप भी साथ में खा लीजिए। तो मैं चावल वगैरह रेडी कर दी थी, कोफ्ता तो बना कर गई थी, चावल बस डाल दी थी, तो आज चावल बन रहा है। मैं अपने लिए जा रही हूँ नीचे रोटी बनाने और अभी बस नहा कर निकली हूँ। और जब तक अंकित जी और पीहू नहा रहे थे तब तक मैंने पोछा वगैरह सब लगा लिया और अब नीचे जा रही हूँ और पीहू खा रही है, उसे भूख लग गई थी। और बाहर वो सही बता रही हूँ, पीहू नहीं मेंटेन कर रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी। गेम खेल रहे हो? पीहू नीचे गेम खेल रही है बोल रही, तो मुझे वो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। और पीहू खा रही है खाना यहाँ बैठकर, और मैं चलती हूँ किचन में रोटी बनाऊंगी मैं, और रोटी बनाकर फिर मिलती हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, मैं जो अपना है रोटी और कोफ्ता लेकर आ गई हूँ, बना लिया मैंने फटाफट एक रोटी, और अंकित जी और पीहू खा लिए हैं तो वो जा रहे हैं ऊपर और मैं खाकर बस ऊपर जाऊंगी। तो चलिए मैं खा लेती हूँ और फिर करती हूँ आपसे बातें। सो फ्रेंड्स, मेरा जो है लंच हो गया है और मैं बोली करके थोड़ा सा बात कर लूँ वीडियो एंड करने से पहले, क्योंकि मौका नहीं मिल पाता है। वीडियोस बहुत सारे आते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेरे, तो उसमें ऐसे इस तरीके से बात नहीं होता है, तो आज मौका मिला है ब्लॉग के थ्रू बात करने का। तो मैं आज बाहर गई थी तो अपना एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया, अभी बाहर बहुत बेकार माहौल है, बहुत ज़्यादा बेकार है, और कोई भी चीज़ लेने के लिए आप जाओ तो एक जगह से नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है कि सब चीज़ व्यवस्था है, बट ऐसा नहीं है, लोगों को भटकना पड़ रहा है कोई भी चीज़ के लिए। अब जैसे कि 15 मई को मेरा बर्थडे है और मैं उसके लिए सोची थी केक के लिए कुछ आइटम मुझे लेना था कि घर पे इस बार तो केक बनाना पड़ेगा, तो मैं केक का आइटम लेने गई, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिला। पीहू का जो मिला वो लेके आ गई और यहाँ बोल रहे हैं अब 3 दिन तक थोड़ा सा ऐसे ही माहौल रहेगा, कोई नियर बाई जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ नियर बाई में कोई पॉजिटिव मिला है, तो जिसके कारण 3 दिन का अभी कर्फ्यू बोल रहे हैं। आपने देखा जैसे कि मार्केट पूरा बंद है, तो 3 दिन गया मेरा ऐसे ही, और पता नहीं क्या होगा 15 मई को मेरा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होगा वो नहीं पता मुझे, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो है जैसा है आपके साथ जरूर उसका ब्लॉग शेयर करूंगी जैसा भी होगा, बट अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं मिला मुझे। सूजी मिला है एक, और मैंने सूजी का सोची हूँ सूजी का केक बनाऊंगी, तो अगर मुझे सामान मिल गया तो केक बनाऊंगी, नहीं तो ऐसे ही जाएगा, कोई बात नहीं। कोई कोई साल अभी हर साल मनाते हैं, ये साल जो है ऐसे ही गुजरेगा, देखते हैं। 15 तारीख अभी टाइम है, तो ये इस वीडियो को ना अब मैं यहीं ऐड करूंगी। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन था आज का, और मॉर्निंग टू आफ्टरनून, और बस हम अब फ्री हो गए हैं। अब पीहू को जाऊंगी, देखती हूँ उसका क्या होमवर्क मिला है, क्योंकि पीहू का ऑनलाइन होमवर्क मिलता है, व्हाट्सएप में आता है और उसका वीडियो बनाकर मुझे भेजना पड़ता है, तो बस अब उसकी तैयारी करूंगी मैं, क्योंकि दोपहर में मैं सोती भी नहीं हूँ और आदत भी नहीं है मेरी सोने की, और पीहू के साथ फिर मुझे थोड़ा सा बैठना पड़ता है, तो इसलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और चलती हूँ पीहू का होमवर्क करा लूँ। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।